सो हाय, हेलो गाइस, सर क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप क्या आप लोग अच्छे और एकदम मजे में मगर मजे में ही रहे ना। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशली गोल्ड रश रॉयल का रिव्यू कराने वाली हूँ और साथ में कौन कौन से बंडल्स देखने को मिलेगा और कब आएगा ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ में देखो, 1 अप्रैल को न्यू CS रैंकेड का न्यू रैंक सीजन आने वाला है। सो उसके बाद से आप लोगों को क्या क्या फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ और साथ में आप लोगों को बनी रिंग इवेंट का कंफर्म डेट बताने वाली हूँ, नेक्स्ट फेस्टिवल का कंफर्म डेट बताने वाली हूँ और आप लोगों को वन पंच मैन की जो शॉटगन की स्किन है आप लोगों को कंप्लीशन में देखने को मिलेगी ये भी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरी देखना तो चलो इसमें टाइम विशी के टाइम पर देखो शर्ट। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 1 अप्रैल को न्यू CS रैंकेड सीजन में आप लोगों को क्या क्या फ्री में मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखो, 1 अप्रैल को ये जो बैठ के स्किन है ये आप लोगों को न्यू CS रैंक सीजन में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगी। सो बैठ के स्किन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा खासा लग रहा है। और फिर आप लोग को नेक्स्ट रिवॉर्ड मिल जाएगा एक रोजा के स्किन जो अच्छा खासा है और इसमें जो इफेक्ट एनिमेशन तो नहीं है कुछ बट अच्छा खासा है। और इसके एटीबस की बात करें तो मूवमेंट स्पीड प्लस है, एक्यूरेसी प्लस है और यहाँ पे जो रेलर स्पीड है वो माइनस है और गन की स्किन फ्री में मिल जाएगी। और फिर आप लोग को यहाँ पे जो स्काई बोर्ड की स्किन है ये वाली बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी। सो यहाँ पे देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है और इसमें जो इफेक्ट एनिमेशन है ना क्या ही मस्त लग रही है सच में। और फिर आप लोग को यहाँ पे हीरोइक करने पर ये वाली टी शर्ट मिलेगी। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी फीमेल का है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्या ही क्रॉप टॉप है। और फिर टॉप के बाद में आप लोग को यहाँ पे सब बैनर अवतार है ये सब कुछ आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा 1 अप्रैल को न्यू रैंक सीजन आएगा तो। और यहाँ पे बैनर होता है देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर है। और फिर वॉइस पैक वगैरह भी आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। सो 1 अप्रैल को आप लोग को न्यू CS रैंकेड का न्यू रैंक सीजन आने वाला है, उसके अंदर से जितना भी फ्री का रिवॉर्ड्स आप लोग को मिलेगा मैंने आप लोग को दिखा दिया। सो 1 अप्रैल को ले लेना। और फिर चलो गाइस, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ नेक्स्ट रिंग की इवेंट इंडिया सर्वर की। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ब्रेक डांसर का जो बंडल है ये रिंग इवेंट में आने वाला है और ये शायद आप लोग को यहाँ पे एक्सचेंज करने को भी मिलेगा 250 टोकन में। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो बंडल है ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस वाले रिंग इवेंट में। और साथ में इस यहाँ पे ये जो बंडल है आप लोग को ब्लैक और वाइट वाला जो यहाँ पे बंडल है ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। सो ये बंडल भी बहुत कोई को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर ये जो स्ट्रीट टैग का बंडल है जो बहुत ही टाइम से पेंडिंग में पड़ा है। सो ये चारों ही मिसमस जो बंडल्स हैं ये आप लोग को एक ही रिंग इवेंट में देखने को मिल जाएगा और ये रिंग इवेंट आप लोग को पॉसिबल है कि कल ही देखने को मिल जाएगी या फिर आप लोग को 14 मार्च को देखने को मिलेगा, मतलब परसों, कल या फिर परसों। इसका कंफर्म डेट ही कल आ जाएगा, नहीं तो कल परसों आ जाएगा, उसके बाद कोई भी कंफर्म डेट नहीं है, कल या फिर परसों आ ही जाएगा। और फिर देखो आप लोग को जो नेक्स्ट फेस्टिवल देखने को मिलेगा उसके अंदर में आप लोग को ये सब बंडल है ये आप लोग को देखने को मिल सकता है जो समर इवेंट स्पेशली बंडल है। और इसका जो यहाँ पे टकला है देख सकते हो, टकला में मैंने डिजाइन बना के रखा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर बेकार लग रहा है क्या बोलूँ मैं। बाकी यहाँ पे देखो जो यहाँ पे टकले में डिजाइन बना के रखा है यहाँ पे लग रहा है हेयर है या फिर नहीं है समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये बहुत ही नया स्टाइल वाला हेयर कट है, अगर आप लोगों को कराना हो तो आप लोग भी करा सकते हो। और फिर यहाँ पे चश्मा मिल जाएगा जो चश्मा भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग को चप्पल मिल जाएगा और फिर आप लोग को यहाँ पे जो हाफ पैंट है हाफ पैंट मिल जाएगी। और फिर आप लोग को यहाँ पे ऊपर में पता नहीं इसको क्या बोलता है बहुत सारे टैटू वगैरह है और आप लोगों को सोने की जो चैन है वो भी मिल जाएगी। सो ये सब बंडल है ना कि आप लोग को फेस्टिवल के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा या फिर वो शोर के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। और इस फेस्टिवल का फिर रेट कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही होगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और बाकी जो नेक्स्ट फेस्टिवल है इसका फिर रेट कंफर्म हो चुका है जो है यहाँ पे आप लोग को जो न्यू फिश की स्किन देखने को मिलेगी पब्लिक वेब्स क्या ही नाम है इसका तो। और फिश की स्किन देख सकते हो अच्छा खासा लग रहा है और ये आप लोग को फेस्टिवल के अंदर में ही देखने को मिलेगा 100% कंफर्म। और ये जो फेस्टिवल है ये आप लोग को 27 मार्च को देखने को मिलेगी इंडिया सर्वर के अंदर। तो अगर आप लोग भी फिश की स्किन का वेट कर रहे हो तो आप लोग को 27 मार्च को देखने को मिल जाएगी नया फेस्टिवल में न्यू फिश की स्किन। और फिर इसी को जो आप लोग को बनी बंडल का जो रिंग इवेंट है ये आप लोगों को कब देखने को मिलेगा तो ये आप लोग को रामधन इवेंट स्टार्ट होगा फिर आप लोग को जाके देखने को मिलेगा बनी का रिंग इवेंट। और ये जो बनी का रिंग इवेंट है ना इसके अंडर में आप लोग को ये जो 3 बनी बंडल आप लोग देख रहे हो
ये तीन आप लोग को कम ही चांस है कि आप लोग को इंडिया सर्वर में देखने को मिलेगा, क्योंकि दो अभी अपडेट चला गया, ये अभी तक नहीं आया इंडिया सर्वर में। सो आप लोग को इस अपडेट में ना जो बनी बंडल आप लोग को देखने को मिलेगा, वो आप लोग को ये वाला देखने को मिल सकता है, और जो तीन है वो आप लोग को अगले फिर अगले अपडेट में देखने को मिले। बाकी इस अपडेट में आप लोग को ये जो न्यू बनी बंडल है ये आप लोग को देखने को मिलेगा, अकेले ही आप लोग को रिंग इवेंट में देखने को मिल सकेगा, या फिर लेक रॉयल के अंदर में आप लोग को ये सो बनी बंडल है ये आप लोग को रमजान इवेंट स्पेशली देखने को मिलेगा। न्यू बनी बंडल है ये आप लोग यहाँ पे इसका रिव्यू देख सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है सच में। और ये सब बनी बंडल ही आप लोगों को तो देखने को मिल जाएगा इस अपडेट से पहले, मतलब आप लोगों को नया अपडेट आने से पहले ही देखने को मिल जाएगा 17 अप्रैल से। सो इसका अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है, होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ। बाकी ये बनी बंडल आप लोगों को रिंग इवेंट या फिर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लेक रॉयल के अंदर में। और फिर कैसे देखो आप लोग का जो एमरजेंसी सगन के स्किन है सो वन पंच मैन वाले ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कैसे वन पंच मैन की जो सगन की स्किन है ये आप लोगों को अभी रिटर्न में देखने को नहीं मिलेगी। आप लोगों को वन पंच जो एनमी है ना, वन पंच मैन जो एनमी है इसके साथ में दोबारा फिर से कोलैबोरेशन होगा, फिर ही जाके आप लोग का जो वन पंच मैन की जो सगन की स्किन है वो आप लोगों को फिर से रिटर्न में देखने को मिलेगी। जब तक कोलैबोरेशन नहीं करेगी करीना दोबारा उसके साथ में वन पंच मैन एनमी के साथ में, तब तक आप लोगों का जो उसके आइटम्स है वो आप लोग को रिटर्न में देखने को नहीं मिलेगा। सो अभी आप लोग को वन पंच मैन की सगन की स्किन के लिए अभी आप लोग को एक साल और वेट करना पड़ेगा, एक साल दो साल वेट करना पड़ेगा, वो तो करीना के ऊपर है। करीना जब दोबारा यहाँ पे फिर से कोलैबोरेशन करेगा वन पंच मैन के साथ में, तो ये आप लोगों से सगन की स्किन है वो आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलेगी। और फिर ऐसे को आप लोग को एमरजेंसी के जो वन की स्किन है ये आप लोग को लकरवाल के अंदर में रिटर्न में देखने को मिलेगी। सो रामदान स्पेशली अगले साल आई थी वो वाली आप लोग को देखने को मिलेगी, और इस साल जो रामदान इवेंट स्पेशली जो पंडल्स आए ये आप लोग को फैटबल या फिर लकरवाल के अंदर में देखने को मिलेगा, और साथ में आप लोग को अगले साल या फिर पिछले साल का आप लोग यहाँ पे जो पंडल्स है रामदान इवेंट स्पेशली आए थे वो भी आप लोग को इस लेक रॉयल के अंदर में देखने को मिल सकता है। और ये लेक रॉयल आप लोग को रामदान इवेंट स्पेशली देखने को मिलेगी, और फिर आप लोग को रामदान जो गिफ्ट इवेंट है ये आप लोग को देखने को मिलेगा। सो गिफ्ट ऑफ रामदान या फिर रामदान वेस्ट इवेंट आप लोग को इस बार जरूर से देखने को मिलेगा, और इसके अंदर में आप लोगों को जो लेसिटी गन के स्किन से और बंडल से ये देखने को मिलेगा। बट जो रामदान वेस्ट इवेंट आएगा इसका जो यहाँ पे इवेंट का जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो अलग रहेगा, जैसे दिवाली के टाइम में आप लोगों को दिवाली कार्निवल इवेंट देखने को मिला था, वैसे ही आप लोग को रामदान कार्निवल इवेंट टाइप ऐसे ही आप लोग को यहाँ पे यही वाला सेम ऐसे ही देखने को मिल सकेगा फेफेंट टाइप, या फिर आप लोग को जो रामदान वेस्ट इवेंट है ये आप लोगों को कुछ अलग ही डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे रामदान वेस्ट इवेंट है ये आप लोग को जो है 20 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा, उसकी कंफर्म डेट वगैरह आएगी तो थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं आप लोगों को कन्फर्म डेट बता दूंगी। और जो इवेंट का प्रेक्सेस है वो अभी बाकी है, इवेंट का जो प्रेक्सेस है वो आने, तो फिर मैं आप लोग को जो इवेंट है इसका भी आप लोग को अच्छे से रिव्यू करके दिखा दूँगी, कौन कौन से पिंडल्स कौन कौन से रन की स्किन आएगी और इवेंट कैसे काम करेगा। और आप लोग को आज में एक नया फेस्टिवल देखने को मिला है जिसके अंदर में प्रोफाइल एनिमेशन इमोट मिल रहा है, तो ये अगर आप लोग को इमोट निकालना है तो आप लोग को 1,085 डायमंड लगेगा। सो आप लोग इतने डायमंड लगा के निकाल सकते हो प्रोफाइल एनिमेशन इमोट को। और फिर कैसे को आप लोग को होली स्पेशली जो यहाँ पे गोल्ड स्पेशली आप लोग को जो रॉयल है वो आप लोग को देखने को मिल सकता है, जो आप लोग को इस टाइप का देखने को मिलेगा जिसका आप लोग यहाँ पे रिव्यू या फिर प्रेक्सेस देख सकते हो। इसके अंदर में आप लोग को जो होली इवेंट के जो अगले पिछले साल के जो बंडल्स है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, और आप लोग को जो दो बंडल्स है वो आप लोग को न्यू देखने को मिल सकते हैं, और साथ में आप लोग को इसके अंदर में जो आइटम वगैरह है पैरासूट की स्किन बैकपैक वगैरह और आप लोग को स्काईपोर्ट वगैरह और इमोट्स भी आप लोग को इस स्पेशल गोल्ड रॉयल के अंदर में देखने को मिल सकता है। और ये सब स्पेशल गोल्ड रॉयल है ये आप लोग को पॉसिबल है कि आप लोग को 24 मार्च को आप लोग को होली इवेंट स्पेशली इस बार देखने को मिलेगा। और बाकी जो होली का इवेंट है ये तो स्टार्ट हो जाएगा शायद यहाँ पे 20 या फिर 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी आज में तो 12 मार्च से। सो यहाँ पे रामदान का इवेंट भी जो है स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया सर्वर में, और होली का इवेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो रामदान है और होली है वो साथ में, और पता नहीं करीना वाले किसका इवेंट पहले स्टार्ट करेंगे और करीना वाले सो भी इवेंट स्टार्ट करें। बाकी रामदान का जो इवेंट है ये शायद आप लोगों को पहले स्टार्ट देखने को मिलेगा कल या फिर परसों जो इंडिया सर्वर में रामदान का इवेंट शायद स्टार्ट हो ही जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हाथों से वाले इनमें ऑन कर लेना, तो चलो गए शटअप वाईफाई।